मैनिफेस्टेशन क्या होती है मैनिफेस्ट करना व्हाट इज मैनिफेस्टेशन इच्छाओं की पूर्ति होना मैं सोचता हूं मैं विजुलाइज करता हूं मैं बचपन से देख रहा था सोच रहा था मतलब इन सिंपल वर्ड्स इच्छा इच्छाओं की पूर्ति होना सुख है इच्छाओं की पूर्ति ना होना दुख है तो ना सुख का इशू होता है ना दुख का इशू होता है इशू होता है इच्छा का राइट टाइम पे राइट अटैम्प्ट अगर किया जाए मेरे को चाय अच्छी लगती है आज मेरे को कफ है इसमें दूध वाली चीज नहीं पीनी चाहिए मैं फिर भी पी रहा हूं तो मेरे लिए मेरी इच्छा है पर मेरे अनुरूप नहीं है मैनिफेस्ट हो रहा है मेरा पर वो गलत चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा हूं मैं <coughs> गलत समय पे कर रहा हूँ मैं हम अंग्रेजों की किताबें पढ़ते हैं या नॉर्मली कहते हैं कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कितनी टाइम पॉजिटिव ला लोगे कितना हंस लोगे दिन में आप दो मिनट चार मिनट पाँच मिनट हंसना तो लिमिटेड है ना सर फट जाएगा उसके बाद गुस्सा कितनी देर रह लोगे आप दस सेकंड बीस सेकंड तीस सेकंड उसके बाद तो इरिटेशन शुरू होती है गुस्सा तो खत्म हो जाता है इरिटेशन रह जाती है कि मेरे को रिस्पॉन्ड तो करे <coughs> तो ना हमें हंसना आता है लंबा ना हमें रोना आता है लंबा हम बीच वाली सिचुएशन में हैं, तो बींग पॉजिटिव भी काम नहीं करता बींग नेगेटिव भी काम नहीं करता काम करता है बींग अ कंस्ट्रक्टिव हम हर टाइम पे नए बन रहे हैं हमारे शरीर में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक सेकंड में पैंसठ जीरो लगा लो उतनी बार न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है हमारा शरीर बन रहा है साथ साथ ही बन रहा है <coughs> शास्त्रों में इसकी लेबोरेशन थी जब साइंटिस्टों ने निकाला कि हां हमारे बॉडी में एटम्स ऐसे काम करते हैं सेल्स ऐसे काम करते हैं फॉर्मेशन उसकी ऐसी है तो प्रूव हो गया कि ऐसे काम करता है तो बॉडी हर टाइम पे एवेल्युएट हो रही है वो हर टाइम पे कुछ नया हो रहा है उसके अंदर कुछ नया निकल निकल कर आ रहा है तो जो मैनिफेस्टेशन है उस, उसमें अकेला हमारा सोचना काम नहीं करता फैंक्शु में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके हमारे वैदिक सिस्टम में उन्होंने पांच कोर्स हैं कि अन्यमय कोर्स से अनंतमय कोष तक जो हम कभी वास्तु के कोर्स में कवर करेंगे लेबोरेटरेड अनमय कोश मतलब इनर कॉन्शियस आपका अंदर अन्यमय कोश अन बॉडी फिजिकल बॉडी इसके बाहर एक स्पेस होता है पहले यहां पे चीज आती है जिसको हम और कहते हैं उसके बाद वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करती है अंदर अपने और फैंक्शु में भी वो कहते हैं उनके फोर लेयर्स हैं समझना आसान है इसलिए क्रिस्ट में बता देता हूं एच ई एम एस पहले कहते हैं लक है दूसरा अर्थ लक है तीसरा मेंस लक है चौथा स्पिरिट है अर्थात लेमन लैंग्वेज में इसको अगर समझे हेवन अर्थात आपका सोच क्या है आपका थॉट क्या आ रहा है आपको तो पहली चीज है थॉट आप विचार क्या कर रहे हो आपका विचार डिजास्टरस रिजल्ट देता है कि आप सोच क्या रहे हो नंबर एक नंबर दो <coughs> उसका आता अर्थ अर्थ आता फील थॉट आ गया उस थॉट को फील कैसे कर रहे हो आप फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही उस थॉट की सोचना एक अलग बात है फील लेना एक अलग बात है दोनों सेपरेट चीज है फिर आता है मेन्ज लक इसमें आता है एक्शन कुछ कर रहे हो उसके लिए कि नहीं कर रहे सोचा था फील भी अच्छा हुआ एक्शन लो और एंड में आता है स्पिरिट लक स्पिरिट में हमारा लाइफ फोर्स आ जाता है एनवायरमेंटल एनर्जीज आ जाती है कुछ किंतु परंतु आ जाते हैं जो हमें कभी शायद रोक सकते हैं अगेन इन्फ्लुएंस आस पास से हो रहे हैं, लेकिन है हमारे अंदर की कॉन्शिय वो भी बंदे ने प्रपोज करना किसी को थॉट है मुझे प्रपोज करना थॉट है बस थॉट ही है <coughs> फील लो प्रपोज करके कैसा होगा या हा होगी या ना होगी अच्छा हाँ होगी तो कितनी अच्छी होगी जॉब करनी है थॉट है बड़ी कंपनी में जॉब करनी है थॉट है बड़े इंजीनियर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे बनेंगे लॉयर बस कुछ भी नहीं होना क्योंकि आपकी सोच यहां खत्म हो गई ये तीन स्टेजेस ही नहीं आए आपके पास या मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है ज्यादा ज्यादा तीर क्या मार लेते हैं इन दोनों स्टेजेस को गायब कर देते हैं हमें जॉब लगनी है बहुत बढ़िया जॉब लगनी है चलो इंटरव्यू दे आते हैं बस ये बीच का प्रोसेस ही नहीं है फील ही नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैनिफेस्टेशन में ये प्ले करता है कि आप जब सोचो उसको आप फील करो पहले अपने अंदर अपने अंदर लाओ कि हां मैं प्रपोज करूंगा तो मेरी उससे शादी होगी तो मैं ऐसी मैरिड लाइफ उसके साथ जी सकता हूं वो ऐसा व्यक्ति है ऐसी औरत होगी मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करने जा रहा हूं जहां पे मैं इस लेवल पे ज्वाइन करूंगा सीईओ बनके निकलूंगा या अगली कंपनी में अपना एक स्टार्टअप शुरू करूंगा वो होता है फील और तीसरा होता है एक्शन आप उसके लिए कर क्या रहे हो कुछ भी करो एक कागज उठाओ उसके ऊपर लिखना शुरू करो राहुल कौशल सीईओ फलाने कंपनी एक्शन लो जब तक कोई भी चीज थॉट से फील में ना आए फील में उसके ऊपर एक्शन ना हो कुछ भी तब तक तो मैनिफेस्ट नहीं होती और एंड में आकर के आपके स्पिरिट लगाता है जिसमें आपकी लाइफ फोर्स आपकी एनर्जी आपकी प्राण ऊर्जा काम करती है हम उसको मुकद्दर भी पार्शली कह सकते हैं हम सराउंडिंग्स भी कह सकते हैं हम आपका नेम चेंज भी कह सकते हैं हम सारी मेटाफिजिकल साइंसेस कह सकते हैं वो आपको हेल्प करती हैं इस ड्रीम को अचीव करने में अभी किसी लेडी का मुझे मैसेज आया हमने आपसे ब्रेसलेट लिया नकली सामान क्यों बेचते हो बस ऐसे करके उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया मतलब मुझे पता ही नहीं कौन है तो अब मैं उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल समझ सकता हूं ना हम उसको जानते हैं ना हमने उसको खरीदने को कहा उसने खुद ही खरीदा खुद ही डाला खुद ही क्वेश्चन किया खुद ही आंसर करके ब्लॉक कर दिया उसका थॉट पैटर्न क्या है उसने सोचा ब्रेसलेट लेंगे काम हो जाएगा बीच का पार्टी नहीं उसके पास आप कह रहे हो कि हमने न्यूम्रोलॉजी सीख ली नेम चेंज कर दिया रिजल्ट आ जाएगा टारगेट तो लो करना क्या है क्लाइंट क्लाइंट का रिजल्ट क्या चाहते हो आप अपने लिए क्या चाहते हो आप अपने लिए क्या ड्रीम करते हो हमने एलपीजी ग्रिप में थॉट विल एक्शन पढ़ा तो थॉट एक अलग पार्ट है थॉट आपको एक बीज है जिसने लगा दिया वो सुपर कॉन्शियसनेस है स्पिरिट एनर्जीज में स्पिरिट एनर्जी को आप ये समझिए कि एक सेब का बीज है यहां से आप बीज तैयार करके लाके यहां पे गाड़ देते हो बस तो दी मोमेंट आप सेब का बीज गाड़ देते हो तो लाइफ फोर्स एनर्जी उस बीज में से उसके अंदर उसका कोडिंग ऐसी हुई हुई है कि सेब के बीज में से सेब ही निकलेगा जब पेड़ बनेगा संतरा निकलता तो आप सीड क्या कर रहे हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे एंड में पर उसका काम यहां पे शुरू हो जाता है मैं डेली आके क्लास स्टार्ट करके आपकी एक ही बात करता हूं पैसे किसने कमाने हैं क्योंकि एन एंड ऑफ द डे हम सबकी जिंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट है जो डिनाई करते हैं पैसा कुछ नहीं होता वो वो लूजर्स हैं जो कमा नहीं पाते या लोगों से जेलसी करते हैं कि वो क्यों कमा रहा है जिससे कोई काम नहीं होता ना वो कहता जी हम हम ना वहम नहीं करते टट्टू तेरे को आता क्या है जो तू वहम नहीं करता जो मेकअप नहीं करता फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर जो मेकअप नहीं करेगा जिसको नहीं आता होगा ना मेकअप करना को कहेगा हम ना इन चीजों में नहीं जाते अच्छा जो बढ़िया मोबाइल ले, ले सकता क्या पढ़ा इन बढ़िया बड़े मोबाइलों में तो जो व्यक्ति अंगूर खट्टे हैं वाला सिनेरियो होता है जिस व्यक्ति को जो नहीं कर पाता उसके साथ इशू है और अगर ये सीक्रेट सबको नहीं पता सिंपल चीज है आपने एक विचार लिया जो कि बड़ी विचार तो विचार है कहीं से भी आ सकता है ऐसे बैठे बैठे विचार आ गया हाँ हमने ना रॉयल्स रॉयल्स लेनी है विचार है ना शायद गायब हो जाए लेकिन अगर उस उस विचार में गलती से फील आ गई कि यार रॉयल्स रॉयस ना ऐसी गाड़ी होती है मैं जा रहा ना तो मेरा पड़ोसी देखेगा वो फील आ गई फिर आप एक्शन लगोगे रॉयल्स रॉयस है क्या कितनी कितनी बड़ी कंपनी है कितनी गाड़ियां आती हैं कितनी गाड़ियां दुनिया में बनाते हैं उसके अंदर कैसी सीट्स होती हैं दरवाजा अपने बंद कैसे हो जाता है उसका वो एक्शन है कुछ कुछ उसके बारे में आप आर एन टी करोगे जब ये तीन प्रोसेसेस आपके कंप्लीट होंगे तब ये स्पिरिट तब बीज लग जाएगा आपके अंदर वो आपको दिलवाएगा अब होगा क्या हो सकता है रॉयल सराज ना है आपके पास पर जो आपका एक थॉट था वो शायद ये था कि मैं एक लग्जूरियस लाइफ में चला जाऊं मैं आम लोगों की तरह, तरह गाड़ी ना लू एक बढ़िया गाड़ी लू क्योंकि शायद आपके पास वर्ड्स नहीं थे कहने को होता बड़ा अमीर आदमी हो गया हमें पता ही नहीं अमीर क्या है बड़ा रईस आदमी पता ही नहीं रईस क्या है कहने को मैं कह दूं अच्छा टच स्क्रीन वाला मोबाइल है आज से दस साल पहले बहुत बड़ी के रूप में। तो जितनी अच्छी उसके अंदर फील लाओगे जितना अच्छा उसको आप एक्शन में लेने की कोशिश करोगे वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है तो मैनिफेस्टेशन में बार बार चैट करने से नहीं कुछ होता चाहे वो स्विच कोड्स हों चाहे वो स्विच वर्ड्स हों चाहे वो मंत्रास हो जब तक उसके अंदर आप कुछ इंटेंसिफाई नहीं करोगे उसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी उसके अंदर सीड नहीं करोगे वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकता हम तीन दिन से हा हा हूहू हु, हु कर रहे हैं कल मैंने आपकी पांच मिनट वाट लगाई आज सुबह मैं फिर सर बोल दिया मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा जो ऐसे ही करेगा रूडली बोला अंदर आपकी इरिटेशन भी हुई खीजे भी हो गए लगा होगा फालतू के बाद पैसे दे रहे हैं फिर भी ऐसे हमसे रूड कैसे बोल सकता हैं हम तो क्वेश्चन पूछेंगे पर वो जो मंथन था ना आपके अंदर वो आपको पे करके जाएगा खिजकी नाम लिख लिया होगा आपने खिज के कोई इन आ गया होगा आपके अंदर एक्शन तो लिया आपने ये प्रोसेस है तो मैनिफेस्टेशन के लिए आज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बचपन से शुरू हो जाओ अपने थॉट्स को लिखो एक किताब ले लीजिए दो पन्ने रख लीजिए उसके राइट और लेफ्ट राइट साइड पर सारी अच्छी चीजें लिखो मेमरीज अपने बचपन की यहां से सारी गुड चीजें लिखो शुरू हो जाओ नर्सरी से नर्सरी में थे वो फलानी मैडम थी बहुत अच्छी मैडम थी टॉफी देती थी वो फलाने पड़ोसी थे वो फलाना साइकिल होता था मेरे पास गुड मेमरी सारी यहां पे लिखते रहो जितनी मेमरीज याद आ सकती है सारी की सारी लिख दो और बेटर है बुक दूसरी दो बुक्स ले लेना एक बैड ले लीजिएगा बैड में शुरू हो जाओ लिखना टीचर थी बड़ा मारती थी तो उसका इनाम था लिख दो वो दोस्त था वो बड़ा गलत आदमी था वो फलाना दोस्त था बड़ा अच्छा दोस्त था पर वो छोड़ के चला गया स्कूल लिख दो वो बैड मेमरी आपको पेन दे रही है वो फंस गई है याद नहीं है बस आपने लिखना है ये पंद्रह से बीस दिन का प्रोसेस है कम से कम पचास सौ आइटम्स यहाँ लिखो पचास सौ यहाँ पर लिखो बस लिखते रहो फलाने रेस्टोरेंट में पहली बार गए थे वहाँ जाके हमने सब्जी मंगाई टेस्ट ही नहीं थी लिख दो उसमें बुरी चीज़ों को एक जगह लिख दो सारे के सारे अंदर से ना अपना कप खाली करो लिखने के बाद जो ये वाला पोर्शन है इसको जला के फेंक दो बुरे वाले को और अच्छे वाले को लिख के रखो इसको जमीन में गाड़ दो गमले में लगा दो पार्क में लगा दो भी लगा दो ये बढ़ जाएगी हमेशा ये खत्म हो जाएगी और एंड ऑफ द डे जब आप ये लिख रहे होगे ना आपके अंदर एक मंथन दोबारा शुरू होगा <coughs> बचपन की मेमरीज का कि आपकी हॉबीज क्या थी जो हॉबीज होती हैं उससे थॉट आता है उसको हम कर्म कहते हैं कि आपका जन्म जो ये हुआ है कौन से कर्म करने को हुआ है आप ओरिजिन मास्टर में निकाल लेते हो आराम से कि आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या है प्रोफेशन कुछ नहीं होता एक्चुअल में एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको आप इंजॉय करते हो पैसा उसका बाय प्रोडक्ट हो जाता है मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों को पैसा कमाते देखता हूं जब मैं मोटिवेट करता हूं कि पैसा कमा सकते हो भाई तुम्हारा पोटेंशियल है तुम पैसा कमा लो मुझे ये अच्छा लगता है मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना नहीं पढ़ाना अच्छा नहीं लगता उसका कोई ही नहीं है अगर पढ़ाना होता तो मैं बीस साल पहले शुरू कर चुका होता मुझे लगता है कि आप सबका डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंपेटेबल है जो आपको पैसा दे सकती है बस मुझे ये समझ आता है और मेरा सेकंड पार्ट ये होता है कि मेरे को फील आती है जब मैं देखता हूं कि अकल्ट फील्ड में लोग बढ़ रहे हैं अकल्ट फील्ड एक्सपेंड हो रहा है क्योंकि आप एक्चुअल में करने क्या वाले हो मोमेंट आप क्लास से बाहर जाओगे दो दिन दस दिन बीस दिन जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे आप लोगों का भला करने का ही सोचोगे कोई व्यक्ति आपके पास उसको ये थोड़ी कोई तेरी टांग टूट जाएगी ला तेरे को पाए बताता हूं आप यही कहोगे जिंदगी में ग्रो कैसे करेगा तो आप अगर किसी की लाइफ में कुछ अच्छा चेंज लाओगे तो उसका रिजल्ट मेरे को भी तो मिलेगा हम कहते हैं ना कि मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली बात है मैं आपका कुछ बता रहा हूँ आप दस लोगों को आगे बताओगे तो उसका पुण्य मेरे को मिलेगा मुझे उसमें बड़ा मजा आता है वो मेरी फील है उस फील के लिए मैं एक्शन लेता हूँ कि चलो कोर्स करते हैं इसलिए मैं बड़ा ध्यान से देखता हूँ कि मुझे किस व्यक्ति को कोर्स कराना है मैं उस व्यक्ति को कोर्स कराने की इच्छा रखता हूँ जो एटलीस्ट ये तीन स्टेजेस में आता हो जो सोचता हो कि मुझे अकल्ट में जाना है जिसके अंदर ना एक्शन वाली सिनेरियो हो फील आती हो कि हां मैं ऐसा ऐसा ऐसे कर लूंगा तो मैं ये वाली तीन चीजों को फोकस करता हूं सामने वाले को देख के तो उसको ये रिजल्ट आ जाता है। तो मैनिफेस्टेशन अकेली चेंटिंग से कुछ नहीं होती थॉट फील एक्शन जब ये तीन चीजें नहीं होंगी तब तक बीज नहीं लगेगा तो आज के बाद आप अपने थॉट्स को लिखना शुरू करो हम सोच रहे हैं हम ऐसा कर लें सोचना नहीं है आपने घूमने जाना है ना पहाड़ों में लिखो मुझे पहाड़ों में घूमने जाना है मुझे मेक माई ट्रिप खोलो वहां पर होटल ढूंढो मुझे ये वाले होटल में रुकना है मुझे ये वाला सूट लेना है या मुझे ये वाला रूम लेना है इसका टोटल रेंटल इतना है टोटल बजट पच्चीस हजार रुपया बनता है टैक्सी का खर्चा नौ हजार रुपया चौंतीस हजार रुपया हो गया बस उसको लिख के रख दो पचास हजार रुपया आ जाएगा आपके पास टेन डेज ट्वेंटी डेज में ये होती मैनिफेस्टेशन हम जाएंगे जी कभी माता के जाने को कहा था शादी से पहले कहा था शादी टूटने को आ गई फिर कहते हो ना फिर नजर लगी ना हमें माता नाराज होगी काम ही नहीं किया आपने बस ऐसे कहने को कह दिया तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा तारे दिखाई थी जनानी दिन में तो तो आपका जो पैटर्न है उसको करेक्ट करना आपने कुछ नहीं करना और मैनिफेस्टेशन होगी वर्स्ट क्या होता है अब मैनिफेस्टेशन कैसे नहीं होती वो बताता हूं आपने एक थॉट लिया और साथ ही में आपने उल्टा थॉट ले लिया यार ये काम नहीं हो रहा यार ये होता ही नहीं काम मैं उसके लिए बड़ा कंसर्न हूं मैं अपने लिए बड़ा कंसर्न हूं मेरी सेहत बड़ी खराब रह जाती है फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति ने वेट लूज करना है हमने सोचा है वेट लूज करना है थॉट आ गया फील ही नहीं आ रही वेट लूज होने के बाद क्या होगा बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रही है आपको बॉडी कहते सो है कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में थोड़ा बहुत वेट तो सबका ही होता है ऐसे ही तो पतला सा सुा सी हड्डी सी लगेगा मले का मले का रोड़ा थोड़ी अन्न तुमने चलो सोचा विद्या बालन ठीक है तू टुन थोड़ी बढ़ रहा वो आपको ऐसा करेगा मन वेवरिंग पैटर्न में फिर आता एक्शन नहीं नहीं मैंने खड़ना खड़े हो जाओ मत जाओ जिम खड़े हो जाओ फिर वो कहेगा अच्छा खड़ा तो हो गया कोई बात नहीं चल थोड़ा सा कर ले कोई बात नहीं कोई बात नहीं थोड़ा सा कर लेते हैं वो पुरानी पिक्चरों का जीवन बन जाएगा वो जो मुनीम होते थे कि चलो ठीक है कर, कर ले कर ले कोई बात नहीं थोड़ा सा चलेगा जिम मत जाना पड़ता दी मोवमेंट आप एक ही नेगेटिव थॉट को बार बार करते रहते हो तो आपका पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं सकती क्योंकि आपके ब्रेन को आपके ब्रेन को एक ही काम है आपको बचाना और आपके मन का एक ही काम है आपको कंफ्यूज रखना और आपकी एकमात्र सोल है जो आपको हमेशा एलिवेट करती है ना मन करता है ना ब्रेन करता है ऐसे खड़ा हूं मैं ये गर्म तवा है मैं हाथ लगाऊंगा साथ ही में ऐसे हाथ हो जाएगा आप देखो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको पता लग गया गर्म है और ब्रेन ने मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लिया इतना फास्ट है वो मन जो हरामी था उसने हाथ लगवाने की कोशिश की ले मजा ले तू उसी प्रकार से आप क्या सोचते हो हर व्यक्ति नेगेटिव हो सकता है मैं भी नेगेटिव बड़ा होता हूं दिन में पर मैं सोचता हूं अच्छा चल मैं नेगेटिव सोचा चल दो मिनट से सोचूंगा फिर उसके बाद मैं ना उस जगह को छोड़ देता हूं क्योंकि जिस जगह पे बैठ के आप एक थॉट लेते हो ना दोबारा उस जगह पर जब जाओगे सेम थॉट शुरू हो जाएगा मत मतलब, वहां पर वो थॉट को आने मत मतलब दो जगह और चेंज करके कहीं और जाके बैठ जाओ सबसे बढ़िया थॉट सबको बाथरूम में आते हैं आते हैं ना सबको क्यों आते हैं क्योंकि आप जब वहां पे बैठते हो जाके बॉडी जो आपका ब्रेन है वो शरीर को खाली करने में लग जाता है अपने आप उसको पता है कि ये पोस्टर है इसमें मुझे बॉडी क्लीन करनी है आपका अपना बेड है दी मोमेंट आप बेड के ऊपर लेटते हो एकदम से आपकी वाली साइड पे बेड की दो साइड्स हैं इधर वाली और इधर वाली आप अपनी वाली साइड पे जब लेटते हो ना तो आपको एकदम से धीरे धीरे नींद आनी शुरू होती है दो ढाई तीन मिनट में दस मिनट में सो जाते हो दूसरी साइड पे या दूसरे रूम में सो गए तो शायद टाइम लगे क्योंकि बॉडी कोप अप नहीं कर पाती बॉडी क्या करती है थ्री स्कैनर की तरह चलती है अच्छा ये मेरा रूम आ गया मेरी छत है ये कॉर्नर है ये खिड़की है वो गुलदस्ता पड़ा वो टीवी पड़ा ये मेरा रूम आ गया मुझे इस टाइम पर जब मैं यहां लेटती हूं तो मुझे क्या करना होता है डिस्कनेक्ट करना होता है सारी नर्व को सिस्टम्स को डिस्कनेक्ट कर देती है फिर आप स्लीपिंग मोड में चले जाते हो बॉडी के अंदर एक प्रोग्रामिंग है डिफॉल्ट काम करती है वो उसी प्रकार से आपकी मैनिफेस्टेशन की प्रोग्रामिंग है सुबह से शाम तक उसको अच्छी चीजें फीड करते रहो वो काम करेगी क्लास से बाहर जाने के बाद जो मेरे पचास सौ दो सौ वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे सारे देख लो सारे देखो वो आपस में इंटरलिंक्ड है कुछ ना कुछ वो आपको इंटरलिंक कराएंगे बोरिंग लग रहा हो जो वीडियो बोरिंग लग रहा हो उसको छोड़ के अगला देख लो डेली एक या दो वीडियो जरूर देखो मन करे तो कमेंट भी कर दो उसके नीचे बुरा है अच्छा है कुछ भी है करो आपका ब्रेन एक महीने में आपको मावलस रिजल्ट्स दे देगा क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो मेरे शब्द नहीं चल रहे होते अकेले मेरे हाथ भी चल रहे होते हैं बहुत कुछ होता है उस वीडियो में ये कलर स्कीम्स भी काम कर रही होती हैं आपके ब्रेन के साथ खेल रही होती हैं मेरे कपड़े भी आपके ब्रेन के साथ काम कर रहे होते हैं मेरी आंखें भी कर रही होती हैं वीडियोज में कुछ है जो आपको हेल्प करेगा फिर आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू होगी और बढ़िया वाली होगी ठीक है जी